मानवता किस तरह से शर्मसार हो रही है ये तो देख ही रहेंगे आप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। बिहार की महिला कांग्रेस प्रभारी अमिता भूषण, उन्होंने एक नई पहल दिखाई है। एक तरफ जहां सरकार की नीतियां फेल हो रही हैं, प्रशासन फेल हो रहा है, सरकार अपनी जितने भी जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उन्हें सफल करने में असफल है। महिलाओं के साथ किस तरह से दिन प्रतिदिन अभद्र व्यवहार हो रहा है, रेप हो रही है, इस सबकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर के बिहार की महिला कांग्रेस प्रभारी अमिता भूषण ने एक नया स्प्रे लॉन्च किया है। जिस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, इंदिरा मिर्ची स्प्रे का नाम रखा गया है और एक एप्लीकेशन भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। बता दें आपको कि कोई भी स्मार्टफोन में एप्लीकेशन सुटेबल हो जाएगा और जब भी कभी कोई महिला अपने आप को संकट में पाएगी तो SOS पर उनके जुड़े हुए संबंधित तत्वों के पास कॉल चला जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हमने खास बातचीत की है अमिता भूषण से। आइए सुनते हैं उन्होंने हमसे खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा और महिलाओं के साथ जिस तरह की व्यवहार हो रही है उसको लेकर वो कितनी गंभीर है। बिहार कांग्रेस में आप महिला अध्यक्ष हैं, आप देख रही हैं किस तरह से बिहार में जो महिलाओं के खिलाफ महापाप है इसका सिलसिला बढ़ते जा रहा है। मुजफ्फरपुर से पटना और अभी हाल में ही सासाराम की घटनाएं हुई है, इसको लेकर आप सरकार की नीतियों को कैसा साबित करेंगी और प्रशासन के लोगों को? पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे बिहार में जिस तरह से महिला उत्पीड़न की घटनाएं और इतनी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण खुद ही लगता है कि बिहार में बिहार का एक एक व्यक्ति अपने आप को लगता है कि कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि हम जो बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे और सरकार, और जहां तक सरकार और प्रशासन का सवाल है, वो तो चुप बैठ करके तमाशा देख रही है। जी, प्रशासन के लोग या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हमने CBI से जांच की मांग की थी, उन्होंने तो हमने पूरी कर दी, अब हाई कोर्ट से जांच की मांग की है तो वो भी पूरी कर दी है। क्या सरकार कह रही है? मांग हम किसी राजनीतिक दल ने, हम लोगों ने मांग रखा जी। और आपने मान लिया, सरकार का इतनी ही कार्रवाई है, जल्द से जल्द जांच हो और आगे भी मांग ले रख लिया आपने। और अभी भी आप देख रहे हैं, कल आरा में घटना, परसों आरा में घटना, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में घटना घटी है, तो आगे भी बहुत घटना घटी, उसके लिए सरकार क्या कर रही है जी? तो एक तरह से आप सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल, सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है और सरकार को जो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, आज सरकार तमाशा बनी हुई है। महिलाओं को आरक्षण देकर भी सरकार खुद की पीठ थपथपाती रहती है। महिलाओं को आप आरक्षण देने की बात है, महिलाओं के आरक्षण की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सोच थी, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की थी, महिला आरक्षण की बात कर दी, और कांग्रेस पार्टी लगातार, लेकिन आप महिला को आरक्षण दे दिए, आरक्षण दे रहे हैं लेकिन महिला सुरक्षित ही नहीं है तो आरक्षण लेकर क्या करेंगी जी? आपके सहयोगी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे जी? तो इस पर आपने एक इंदिरा मिर्च स्प्रे कुछ लॉन्च किया है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी ने एक एक इंदिरा शक्ति एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया है राजीव जी की जयंती के अवसर पर, जो खासकर जो इंदिरा, उसका नाम है इंदिरा शक्ति, जो महिला शक्ति की प्रतीक और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम से ये शक्ति ऐप बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो आप जो जमीनी तौर पर जो महिलाएं हैं उनके काम आएंगी, उनके काम आएंगे। आजकल स्मार्टफोन तो हर एक व्यक्ति के हाथों में है जी। और उसमें कुछ SOS आपने कुछ जो आप अपने चार लोगों का नाम आप दे देंगे, तो जैसे ही आप कभी आप कोई विपरीत परिस्थिति में है तो आप बटन दबा देंगे, तो आप चार लोगों को मैसेज चला जाएगा और वो आपके पास पहुंच सकते हैं, वो आपको खासकर आपके लोकेशन का भी पता चल जाएगा। और साथ ही साथ एक मिर्ची स्प्रे जो इंदिरा शक्ति महिला सुरक्षा मिर्ची स्प्रे दिया गया, अगर जिसको स्प्रे अगर आप करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति जो गलत भावना से आपके सामने खड़ा,
है वो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। जी तो ये स्प्रे कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, क्या मार्केट में अवेलेबल होगा? ये स्प्रे मार्केट में भी अवेलेबल होगा, लेकिन अभी उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी बच्चियों को जो आई हुई थी उनको फ्री में बांटा, और हम लोग आग्रह कर रहे हैं सब लोग इस स्प्रे को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बांटे, लेकिन अभी उस दिन हम लोगों ने फ्री में बांटा था, इसके लिए भी हम लोग कुछ। तो इसके लिए कोई एक मूल्य रखा गया होगा कि मार्केट में इजिली कम दामों पर ही अवेलेबल हो जाएगा? नहीं, मार्केट में मिल जाएगा और मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उस दिन हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने फ्री कुछ बच्चियां जो हमारे साथ थी उनको फ्री में बांटा गया, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया। तो एक तरह से आप महिला खुद हैं और अध्यक्ष पद पे भी हैं, तो महिला होने के नाते भी आपने अपना जिम्मा लिया है और नेता होने के नाते भी अपना सरकार जहां चुप है, जब समाज चुप है। आज आपने देखा होगा आरा की घटना में एक महिला को किस तरह से उसको नंगे दौड़ाया गया और सारे लोग तमाशा देखते, तो ऐसे में और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के प्रति संवेदनशील रही है, एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम केवल बात करें कि हाँ हम अगर सरकार महिलाओं के लिए आगे अगर उनके अच्छे उद्देश्य से उनके सुरक्षा के लिए काम करेंगी तो हम जी जी बहुत शुक्रिया, न्यूज बिहार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना अमिताभ भूषण ने कहा कि सरकार की जितनी नीतियां हैं वो फेल है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने द्वारा लॉन्च किए गए स्प्रे और ऐप के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कल हमने बहुत सारी महिलाओं को लड़कियों को यह स्प्रे फ्री दिया है और जल्द ही ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि नारी की सुरक्षा और सम्मान सबसे जरूरी है। नारी की सुरक्षा और सम्मान हम भी करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं, जब भी कभी आपको मदद करने का मौका मिले नारी की मदद जरूर करें। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम हर पल हर वक्त की खबर के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहें न्यूज बिहार के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।